हे गाइस, वेलकम टू टेक्निकल सेशन। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है आई फ्रेम, एचटीएमएल आई फ्रेम। आई फ्रेम की फुल फॉर्म होती है इनलाइन फ्रेम। ये एक इनलाइन एलिमेंट होता है। इनलाइन एलिमेंट का मतलब होता है सिंगल लाइन में ही सारा डेटा आना, ठीक है। आई फ्रेम का बेसिकली क्या यूज होता है कि आई फ्रेम का मतलब होता है कि अगर आपको करंट वेब पेज के अंदर मल्टीपल वेब पेजेस शो करना हो तो उसके लिए यूज करते हैं हम आई फ्रेम। करंट वेब पेज के अंदर का मतलब ये करंट पेज का भी डेटा दिखेगा और साथ ही साथ अदर मल्टीपल जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, जो भी पेजेस होंगे, उनका भी डेटा शो करना हो तो उसके लिए हम आई फ्रेम यूज करते हैं। अब आप कहोगे कि नहीं, ये तो फ्रेम सेट में भी हम कर रहे थे। नहीं, दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। फ्रेम सेट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर किसी पेज को मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड करना, स्प्लिट करना, उसको कहते हैं फ्रेम सेट, ठीक। और आई फ्रेम का मतलब होता है कि करंट पेज के अंदर मल्टीपल वेब पेजेस शो करना, ठीक है। चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। चलिए तो मैं अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड। आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में इसका यूज कर सकते हैं। अपना पुराना वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट सेशन में हमने किया था फ्रेम सेट टारगेट कैसे यूज करते हैं। अगर जिसने भी मेरा लास्ट सेशन नहीं देखा है, वीडियो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर किया, आप वहां से इसलिए देख सकते हैं, ठीक। चलिए पहले इसको रन करा के देख लेते हैं। जो टारगेट का था हमारा ये फ्रेम सेट रो बनाना, ठीक है। ये देखिए हेडर फुटर, इसे कहते हैं फ्रेम सेट। मतलब एक विंडो को दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया, स्प्लिट कर दिया, ठीक। अब इसके अंदर कुछ और आप दो पेजेस तो दिखा सकते हो, लेकिन आप मेन फ्रेम सेट, आप कौन सा पेज ओपन किए हो, फ्रेम सेट टारगेट, इसके अंदर अगर कुछ लिखना तो वो नहीं लिख सकते। ये डिफरेंस होता है फ्रेम सेट और फ्रेम। अब आई फ्रेम यूज कर लेते हैं एक बार। आई फ्रेम के लिए मैं एक नया पेज बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया कौन सा पेज, एचटीएमएल पेज बनाना है। यहाँ पे लिख दिया आई फ्रेम और एक्सटेंशन में लिख दिया .html, ठीक है। बाकी अपना हेडिंग यूज कर लेते हैं। अच्छा, आई फ्रेम में आपको क्या है कि आप बॉडी टैग भी यूज कर सकते हैं, तो बॉडी के अंदर जो भी आपका टेक्स्ट लिखा होगा वो भी डिस्प्ले होगा। चलिए प्रैक्टिकल करके देखेंगे और अच्छे से। जैसे हमने एक बॉडी बना लिया, अब यहां पर मैंने एक लगा दिया आई फ्रेम टैग, इसको क्लोज कर दिया। और इसके अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट होता है src, मतलब सोर्स, जो भी फाइल देना चाहते हैं। मैंने लिख दिया header.html, ठीक है। ये एक आई फ्रेम में भी लेते हैं, इसको रन करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गया एक पेज हमारा header.html का, जो डेटा है वो दिख गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे आई फ्रेम के अंदर भी जो कुछ कंटेंट लिखा हो वो भी विजिबल हो, ठीक। तो बॉडी के अंदर हमने लगा दिया यहाँ पर H2 टैग और यहाँ पर एग्जाम्पल दे दी, हेडिंग दे दी आई फ्रेम टैग, ठीक। चेक करते हैं एक बार, ये देखिए अब आपका करेंट जो डॉक्यूमेंट है उसका भी डेटा आ रहा है और साथ ही साथ आपको एक दूसरा पेज भी दिख गया, क्लियर। लेकिन ये काम आप फ्रेम सेट के अंदर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फ्रेम सेट टैग के अंदर मैंने पहले भी बताया था, आप बॉडी का यूज नहीं कर सकते। बॉडी और बॉडी के अंदर जितने भी टैग यूज करते हैं, जैसे हेडिंग हो गया या पैराग्राफ हो, वो आप उसका यूज नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। करके एक बार देखते हैं। मैंने सेम ये हेडिंग कॉपी कर ली और टारगेट वाले में पेज पे लगा दिया। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं रन करके। देखिए अब क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग आ रही है, उसने फ्रेम सेट को रीड ही नहीं किया। तो अगर आप बॉडी कंटेंट यूज, बॉडी टैग यूज करेंगे या बॉडी टैग जो टैग के अंदर जितने भी टैग होते हैं अगर उनका यूज करेंगे तो आपका फ्रेम सेट दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। यही डिफरेंस होता है आई फ्रेम और फ्रेम में, क्लियर। अब यहां पर हम मल्टीपल फ्रेम भी यूज कर सकते हैं, मल्टीपल आई फ्रेम। एक ये लगा दिया आई फ्रेम, एक और लगा देते हैं हेडर के बाद हमने दे दिया फुटर, सेम मैंने कॉपी एक और कर दिया और यहां पर दे दिया मेन। चेक कर लेते हैं एक बार, ये देखिए आगे थी पेज। अब ये बाय डिफॉल्ट जो विड्थ और हाइट लेता है, ये विड्थ आपकी होगी 300 पिक्सल और हाइट होगी 150 पिक्सल। आप इसको रिसाइज भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर आई फ्रेम के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, उनका आप यूज कर सकते हैं। और आई फ्रेम के अंदर आप जैसे कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट, जैसे यूट्यूब का वीडियो प्ले करना हो, ठीक, तो उसके लिए भी आपको आई फ्रेम ही यूज करना पड़ेगा। जैसे यूट्यूब ऑलरेडी फीचर प्रोवाइड करता है, मैं अपना ही एक वीडियो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैंने इसको म्यूट कर रखा है, आप ऑन कर सकते हो। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएगा कॉपी एम्बेड कोड, उसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और जहाँ भी आपको आई फ्रेम लगाना है, जैसे मैंने यहाँ
एंटर किया, पेस्ट कर दिया। अब इसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट भी आएंगे जो हमें अभी करना है, विड्थ, हाइट, जो कि बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी सेट होती है, आप चेंज भी कर सकते हो। एसआरसी मतलब उस पर्टिकुलर यूआरएल को ओपन करना, सोर्स, टाइटल उस पर्टिकुलर फ्रेम का टाइटल देना, फ्रेम सेट, बॉर्डर 0 और 1 मतलब इनेबल करना चाहते हो, डिसेबल करना चाहते हो, अलाउ कुछ सिक्योरिटी पॉलिसी होती है, अलाउ फुल स्क्रीन, आप अलाउ फुल स्क्रीन का फीचर देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो। ठीक है, रन करा के देखते हैं। जैसे देखिए, ये देखिए, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए वीडियो का आगे आई फ्रेम, अब क्लिक किया और यहाँ पे प्ले होना चालू हो गया। अब यहाँ पे देखिए अलाउ फुल स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। फिर मैंने इसको वापस अंडू कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से करके आप इसमें YouTube का वीडियो भी एम्बेड कर सकते हो। अब मैं एक बार ये इसमें विड्थ और हाइट को भी चेंज भी कर सकते हैं। मैंने कर दिया 600 पिक्सल कर दो और हाइट को कर दो 200 पिक्सल। ठीक है, और ये अलाउ फुल स्क्रीन को ऑफ कर देते हैं। अब देखते हैं क्या डिफरेंस आता है, विड्थ हाइट चेंज हो गई। ठीक है, अब इसको प्ले करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, कर जैसे फुल स्क्रीन इज अनअवेलेबल, क्यों, क्योंकि आपने उसका एट्रीब्यूट क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, ट्रू और फॉल्स, बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। आप अगर उसको लिख देते हो तो ट्रू हो जाएगा यानी कि विजिबल होगा, और हटा दोगे तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट उसके एट्रीब्यूट पर। आई फ्रेम के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, टाइटल उस पर्टिकुलर फ्रेम का टाइटल देने के लिए, अलाउ कुछ सिक्योरिटी पॉलिसीज होती हैं, हाइट आई फ्रेम के अंदर हाइट देने के लिए 150 पिक्सल इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, विड्थ 300 पिक्सल इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, नेम आप उस पर्टिकुलर फ्रेम का नाम भी दे सकते हो, अलाउ फुल स्क्रीन, ट्रू और फॉल्स होता है, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है, अगर इसको लिख दोगे तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फ्रेम का बॉर्डर जो कि आप 0 या 1 मतलब आप बॉर्डर इनेबल करना चाहते हो, डिसेबल, एसआरसी मतलब होता है सोर्स, आप किस पेज को उसमें ओपन करना चाहते हो। क्लियर, सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक देखो टाइम, बाय, टेक केयर।